हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रिया क्लासेस आज के सेशन में हम कंप्लीट यूनिट 20 को कवर अप करेंगे जिसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर एम एमसीओ वन एम कॉम हिट द लाइक बटन डू शेयर योर कमेंट्स लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल फॉर योर स्टडीज ऑल्सो डोंट फोर्गेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू मिस आउट ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माई विडियोज चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की जो कि है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक्स कवरअप करना है तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे स्टडी अबाउट द इमर्जिंग ट्रेंड्स देन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल मैनेजमेंट

सो so, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज विटनेसिंग सेवरल चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड पीपल ठीक है सो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा जो है एक एनवायरमेंट के अंदर काम करता है ना और उस एनवायरमेंट में डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं उसको इफेक्ट करते हैं और कई बार उस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करके उस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में मजबूर करते हैं सो so, चेंजेस जो है अगर हम चेंजेस की बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरीके के चेंजेस देखोगे यू विल सी चेंजेस इन इट स्ट्रक्चर ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप लोग चेंजेस देखोगे उसके ऑपरेशन में कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं हम लोगों का काम करने का जो तरीका है वो भी कभी कभार बदल जाता है और लोगों में ठीक है नए नए तरीके के लोग आते हैं नए नए पोजिशन क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उस पोजिशन को फिलअप करने के लिए हम क्या करते हैं हम लोग हायरिंग करते हैं ठीक है सो जब भी कोई चेंजेस आता है हम चेंजेस किन किन चीजों में देखते हैं वी विल सी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर इन द ऑपरेशन एज वेल एज इन द पीपल

दिन भर दिन जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमारा फोकस होता जा रहा है ठीक है और एक ऑर्गेनाइजेशन की ही अगर हम बात करें डिफरेंट बैकग्राउंड से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं है ना डिफरेंट नेशन से लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट से लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग काम कर रहे हैं तो इन सबको एक साथ चलना इन सबको एक साथ लेके चलना और इन सबको इस तरीके से लेके चलना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो अल्टीमेट गोल रीच हो ठीक है सो ये सबका अंडरस्टैंडिंग इन सब के लिए जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड बिहेवियर ठीक है सो यहाँ पे क्योंकि हमारा एनवायरमेंट एक क्रॉस कल्चरल एनवायरमेंट है यहाँ पे यू नीड टू नो अबाउट द मल्टी कल्चरल बिहेवियर अगर मल्टी कल्चरल बिहेवियर के बारे में हमारे मैनेजर को पता नहीं होगा सो so इन दैट स्टेट ही विल नॉट बी एबल टू चैनलाइज द एम्प्लॉज एनर्जी फॉर अटीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ठीक है सो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स जो है बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाएगा अगर मैनेजर को नहीं पता होगा की ऐसे क्रॉस कल्चरल एनवायरमेंट में ऐसे लोगों को जो की अलग अलग देशों से आए हैं अलग अलग स्टेट से आए हैं अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं अलग अलग कल्चर से है उन सबको अगर आपको एक साथ रख के नहीं चलना आएगा तो आप जो है ऐसे स्टेट पे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे तो अगर हम इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करें ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि अब अभी, अभी देखो अगर आज के टाइम में आप देखो कि वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम जो है ये जो हमारा लॉकडाउन वगैरह लगा था उससे पहले ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं था मतलब बहुत ही लिमिटेड में था है ना बट आज के टाइम में जो ये जो स्टेप है ये जो आ, वर्क फ्रॉम होम का जो ये जो स्टेप है ये ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये सब क्या है ये भी एक तरीके का एक ट्रेंड है ठीक है एक इमर्जिंग ट्रेंड है तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे आजकल आपको क्या देखने को मिल रहा है ट्रेंड मल्टीनेशनल कॉपोरेशन होते चले जा रहे हैं ना नए नए ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं वो भी मल्टी लेवल के दैट यू विल सी क्रॉस कल्चरल एडवायरमेंट ठीक है ऐसा एनवायरमेंट ऐसा वर्क प्लेस जहां पे लोग जो है डिफरेंट कल्चर से हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग हैं, वर्क फोर्स का जो साइज है वो भी चेंज होता जा रहा है फ्लेक्सी टाइम होता जा रहा है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट अपडेशन देर इज कांस्टेंट अपडेशन ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज हो गई तो ऐसा ही चलता रहेगा ऐसा नहीं है कॉन्स्टेंटली आप देखोगे की अपडेशन चलता जा रहा है हर बार जो है कोई भी चेंज एनवायरमेंट में उसके हिसाब से हम लोगों को जो है रिएक्ट करना पड़ता

एनवायरमेंट हमारा जो एनवायरमेंट है वो जिस तरीके से हमको इफेक्ट कर रहा है उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये ये चेंजेस आपको देखने को मिलता है इसके अलावा देर इज इंक्रीज कंसर्न फॉर क्वालिटी की ठीक है यहाँ पे जस्ट हम प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हैं बस लोग खरीद लेंगे ऐसा नहीं है हमें यहाँ पे क्वालिटी पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो की हमसे बेटर क्वालिटी हमसे बेटर क्वालिटी वो लोग ऑफर कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे केस में हमको क्वालिटी पे यहाँ पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्लस हमारे जो स्टाफ है हमारे जो स्टाफ इंडिविजुअल्स है उनको ट्रेनिंग देना भी क्या है उनको ट्रेनिंग देना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है सो ऐसे केस में जो है हमारा जो टीम लीडर है ठीक है टीम यू विल सी काइंड ऑफ टीम लीडरशिप लीडरशिप का जो स्टाइल है उसमें भी आपको जो है काफी सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है लाइक like अभी लीडरशिप में पहले क्या होता था पहले जो है हमारा टीम जो है टीम रिएक्ट करता था ठीक है कि एनवायरमेंट में कुछ चेंज आया हम लोग उस पर क्या करेंगे रिएक्ट रियक्ट करेंगे बट अब ऐसा नहीं है अब लोग अब जो है वी फोर्स हम जो है फ्यूचर को जो है देखने की कोशिश करते हैं ठीक है वी ट्राई टू प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है और उसके हिसाब से हम प्रो एक्टिव स्टेप्स ले हम पहले से ही जो है तैयार रहें सो so, जो अगर हम टीम की बात करें टीम लीडर्स जो है दे आर एक्चुअली शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम रियक्टिंग टू फोर्सिंग ठीक है पहले लोग डायरेक्ट करते थे पीपल को लोगों को डायरेक्ट किया जाता था पर अब जो है हम लोग अपने टीम्स को इंस्पायर कर रहे हैं ठीक है सो द लीडरशिप जो है इट इज शिफ्टिंग जो टीम लीडर्स है दे आर शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम डायरेक्टिंग पीपल टू इंस्पायरिंग देयर टीम ठीक है फ्रॉम रियक्टिंग टू चेंज टू फोर्सिंग एंड इन्फ्लुसिंग द चेंज फ्रॉम चेंजिंग द इंडिविजुअल टू एक्सपैंडिंग टीम केपेबिलिटीज ठीक है सो so, ये सारे जो चेंजेस है हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू चेंज इन अवर एनवायरमेंट सो so, इसी चेंज के दौरान एक कॉन्सेप्ट निकल के आया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ठीक है अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल कमिटमेंट सो टू सैटिस्फाई कस्टमर्स थ्रू द यूज ऑफ एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ टूल्स टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग ठीक है सो हम लोग जो है डिफरेंट तरीके के टेक्निक्स डिफरेंट तरीके के टूल्स डिफरेंट तरीके के जो ट्रेनिंग है वो हम यूज करते हैं टू सेटिस्फाई अवर कस्टमर्स ठीक है कस्टमर नीड्स

क्वालिटी जो है हमारे प्रोडक्शन सर्विसेज़ का उसका हाई चाहिए ठीक है हाई क्वालिटी होना चाहिए हमारे प्रोसेसेस का हमारे प्रोडक्ट का तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है उसको हमें कंटिन्यूस तरीके से इंप्रूवमेंट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ठीक है अगर हम कंटिन्यूअस तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे तो क्या होगा तभी हमारे पास एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस मिलेगा ठीक है सो दिस मीनिंग टू कैप्चर द एसेंस ऑफ डब्ल्यू डेमिक्स फिलोसफी ऑफ क्वालिटी ठीक है सो यहाँ पे जस्ट क्वालिटी वगैरह की बात है हम हमारा मेन फोकस जो है टोटल क्वालिटी का नाम ही देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट है तो हमारा फोकस क्वालिटी पे होगा क्वालिटी पे आप फोकस कैसे करोगे बाई कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ठीक है देखो कोई भी चीज जो है एकदम से बेटर नहीं होती है ना अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो आप आप सोचोगे कि एकदम से मेरे एक दिन में ही मेरे सौ में से सौ आ जाए ऐसा नहीं पॉसिबल है आपको जो है डेली एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करने पड़ेगा अपने बुक्स के साथ है ना आपको पढ़ाई जो है डेली बेसिस पे करना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा ठीक है so, सो इसी तरीके से अगर आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए आप आपको कंटिन्यूस तरीके से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेसिस है आपका जिससे कि आपका वो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें डेली में आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू इम्प्रूव देयर अनदर अप्रोच विच इज नोन एज दिक्क सिग्मा बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर एंड इफेक्टिव इन द एरिया ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी यहाँ पे देखो आप फोकस जस्ट क्वालिटी पे है ठीक है यहाँ पे क्योंकि और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी क्वालिटी पे क्वालिटी आउटपुट पे जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का क्वालिटी उस क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा तो इसीलिए हमारे पास टीक्यू एम का कॉन्सेप्ट भी आया जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो कॉन्सेप्ट आया हमारे पास उसके अलावा हमारे पास एक सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट आया ठीक है सिक्स सिग्मा जो है वो क्या है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और क्वालिटी मैनेजमेंट पे इसको यूज किया जाता है सिक्स सिग्मा डिफाइन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग अप्रोक्सीमेटली जीरो डिफेक्ट तो यहाँ पे ये माना जाता है कि आप जब भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करो जीरो डिफेक्ट होना चाहिए ठीक है so सो इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं सिक्स सिग्मा के अंडर जो है छह स्टेप्स होते हैं क्या क्या स्टेप्स है पहला स्टेप ये है कि प्रोडक्ट का मतलब कि आपको पहले तो डिटरमाइन करना है आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि आप जो है किस तरीके का प्रोडक्ट आप बना रहे हो सेकंड यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स आर यू मेकिंग दिस प्रोडक्ट फॉर कि आपका जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आपका कस्टमर जो है वो किस तरीके का है देन डिटरमाइन द सप्लायर्स यू नीड टू मेक द प्रोडक्ट ठीक है आपको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्यों, कौन कौन से सप्लायर्स की जरूरत होगी वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा देन वर्कर्स मैप आउट द प्रोसेस टू फुलफिल द मिशन ठीक है प्रोसेस एक प्रॉपर तरीके का यू विल मेक अ फ्लोर चार्ट कि ये ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आप ये जो है इस प्रोडक्ट को बना पाओ देन You will evaluate the process and eliminate the non value added steps or the sources of error. फिर आप इस पूरे प्रोसेस को इवेल्युएट करोगे कि भाई ये जो स्टेप्स मैंने बनाए हैं ये स्टेप्स में कहीं कोई एरर तो नहीं है या फिर कहीं कोई ऐसा जगह है जहां पे विच, जहां पे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ठीक है ठीके? ऐसा कोई जगह जिससे कि जिससे कि कहीं कुछ चेंज करके हमारा जो क्वालिटी है वो और भी अच्छा हो जाए सो दैट इज द स्टेप ऑफ इवेल्यूएशन एंड फाइनली वी हैव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर क्राइटेरिया एंड द ड्राइव फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देर शुड ऑलवेज बी ड्राइव फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहीं भी आपको कही लगेगी भाई यहाँ पे जो है कुछ चेंज करके जो है हम जो है और अच्छा और हाई क्वालिटी का सामान जो है आउटपुट जो है वो बना सकते हैं इन दैट सिचुएशंस यू कैन ऑलवेज आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है आप लोग कर सकते हो दिस इज योर सिक्स सिग्मा एंड अगेन इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी ठीक है जो फाइनल जो क्वालिटी है आपका प्रोडक्ट का वो क्वालिटी फोकस्ड तो आप देख रहे हो पूरा ऑर्गेनाइजेशन इमर्जिंग ट्रेंड्स में यही है कि अब हम क्वालिटी पे ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस कर रहे हैं और उसके लिए टीक्यू एम और सिक्स सिग्मा ऐसे कॉन्सेप्ट जो है ये चीजें निकल निकल के नहीं आ रही नेक्स्ट वी हैव कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ठीक है नाउ वेरियस स्टडीज सजेस्ट दैट वैल्यूज वैल्यूज डिफर अक्रॉस कल्चर ठीक है अब हम अगर वैल्यूज की बात करें वैल्यूज देखो डिफर करते हैं कल्चर में ठीक है अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया में कितने सारे कल्चर है ना कुछ कल्चर में कुछ जो चीजें अलग तरीके से होती हैं कुछ कल्चर में कुछ चीजें अलग तरीके से होती है सिमिलरली अगर हम फॉरन की बात करें दूसरे कंट्रीज की बात करें दूसरे कंट्रीज का जो है वो कल्चर डिफरेंट तरीका है कुछ कंट्रीज ऐसे जो कि टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कुछ जो कंट्रीज जो है उसमें वैल्यूज इस तरीके के कि वो लोगों को वैल्यू ज्यादा देते हैं तो इस तरीके से जो है डिफरेंट कल्चर में जो है डिफरेंट कल्चर जो है कल्चर में जो वैल्यूज है वो आपको वेरी करता दिखाई देगा नाउ यहां पे जो है डिफरेंट तरीके से आफ्टर डूइंग जो एक बंदा था गिरेट हॉफस्टेड ठीक है इन्होंने जो है एक स्टडी एक किया जिस स्टडी में जो है हमें पता लगा कि टू फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन वैल्यूज की जो कल्चर है उसका वैल्यूज पे क्या इफेक्ट रहेगा ना आफ्टर डूंग सर्वे इन फिफ्टी कंट्रीज इंडिया इज वन ऑफ दैम ही फाउंड दैट मैनेजर्स एंड एम्प्लाईज वेरी इन फाइव वैल्यू डायमेंशन ऑफ नेशनल कल्चर ठीक है तो सिंपल सिंपल बात ये है ये पांच जो है ये आपको यहाँ पे पांच दिख रहे हैं ये पांचों के पांचों क्या है ये कुछ डायमेंशन है ठीक है पांच ऐसे डायमेंशन है और ये क्या क्या दिखाते हैं कि हम जो है किस तरीके से कल्चर में कल्चर अगर वैल्यूज की हम बात करें डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट वैल्यूज किस तरीके से जो है वो एप्लीकेबल है वो ये दिखाता है ठीक है सो जो सबसे पहला है जो सबसे पहला डायमेंशन है दैट इज योर पावर डिस्टेंस पावर डिस्टेंस की मतलब की इट इज अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी एक्सेप्ट द पावर इन वली ठीक है यहाँ पे इक्वालिटी और अनईक्वैलिटी इक्वालिटी और अनईक्वालिटी के बीच में जो है कितना जो है अन एक कितना डिस्टेंस है दैट है वो ये हमें बताता है पावर डिस्टेंस ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब यही है कि हम जो है किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें जो है पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर क्या वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो दैट इज योर पावर डिस्टेंस तो कुछ कंट्रीज है जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया यूएसए हो गया वहां पे दे हैव लो पावर डिस्टेंस ठीक है वहां पे पावर डिस्टेंस कहता है पावर डिस्टेंस काफी ज्यादा लो है बस कुछ कंट्रीज जहां पे पावर डिस्टें डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है वो है लाइक like मलेशिया हो गया आपका फ्रांस हो गया इंडोनेशिया हो गया पाकिस्तान हो गया अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया जो है इट रैंक फोर्टी सेकेंड इंडिया का जो है पावर डिस्टेंस में रैंक कितना है फोर्टी सेकेंड है इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है इट इज ऑन इट इज हाई ऑन पावर डिस्टेंस इंडिया में जो है पावर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है ठीक है पावर डिस्टेंस क्या है सिंपली द एक्सटेंड टू विच अ सोसाइटी एक्सेप्ट दैट पावर इन इंस्टीट्यूशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनईक्वली तो हमें हम ये ऐसा मानते हैं कि जो पावर है वो जो है डेफिनेटली इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नेक्स्ट वी हैव इंडिविजुअलिज्म वर्सेज कलेक्टिविज्म ये क्या चीज है

ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ मैं किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ मैं जो हूँ एज एन इंडिविजुअल मेरा भी कुछ ना कुछ वजूद है सो दैट इज योर इंडिविजुअलिज्म जबकि कलेक्टिविज्म इसका उल्टा है इसका जस्ट ऑपोजिट है कलेक्टिविज्म इज अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स अ टाइट सोशल फ्रेमवर्क इन विच पीपल एक्सेप्ट एक्सपेक्ट अदर्स इन ग्रुप ऑफ विच दे आर पार्ट टू लुक आफ्टर देम एंड प्रोटेक्ट देम सो कलेक्टिविज्म में यू आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप यू डिक्लेयर योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप आप बोलते हो कि मैं इस पार्ट इस सोसाइटी का हिस्सा हूं ये कोई ग्रुप है इसका मैं हिस्सा हूं और अगर मुझे कुछ भी होता है तो यहां इस ग्रुप के जो लोग हैं वो मेरी मदद करने जरूर आएंगे ठीक है सो दिस इज योर इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म या ये वर्ड्स आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इंडिविजुअलिज्म बहुत हाई है जहां पे लोगों को लगता है कि हमारा अस्तित्व ही हमारा अस्तित्व वजूद जो है वो हमारा बहुत ज्यादा हाई है वी डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप सो इंडिविजुअलिज्म जो है इट इज हाई इन कंट्रीज सच एज यूएसए यूके फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड ठीक है सो ये ऐसे कंट्रीज है जहां पे आपको इंडिविजुअलिज्म जो है जहां ज्यादा दिखेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पे कलेक्टिविज्म आपको दिखेगा ज्यादा जैसे कि हो गया आपको कोलंबिया पाकिस्तान चाइना होंगकॉन्ग इंडोनेशिया इन कंट्रीज में आपको क्या दिखेगा आपको जो है कलेक्टिविज्म जो है वो ज्यादा दिखेगा तो आप देख रहे हो कि कैसे कंट्रीज में जो है किस तरीके से जो है उनका वैल्यूज जो है किस तरीके से उनमें चेंज है ठीक है कुछ कंट्रीज जो है इंडिविजुअलिज्म को मानती है कुछ जो कंट्रीज है वो कलेक्टिविज्म को ज्यादा प्रेफर करती है नेक्स्ट यू हैव मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी

यहां पे यह देखा जाता है कि सोसाइटी कितना प्रेफरेंस मटेरियल चीजों को देती है ठीक है तो ऐसे कंट्रीज जहां पे मटेरियल चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है वो है जापान जर्मनी यूएसए ऑस्ट्रिया आयरलैंड न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका ठीक है इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे जो है फेमिनिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है फेमिनिटी यानी कि ये जो है क्वालिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं ऐसे कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क हो गया फिनलैंड हो गया पोर्टुगल हो गया रशिया हो गया स्वीडन हो गया ये लोग जो है ज्यादा फेमिनिटी को जो है वो प्रिफर करते हैं नेक्स्ट वी हैव सर्ट अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इट इज अशनल कल्चरल एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट टू विच अटी फील्स थ्रेटेंड बाय अनसर्टन एंड एम्बिगस सिटुएशन एंड ट्राइज टू अवॉइड देम टू सो ऐसा सिचुएशन में कोई भी अनसर्टन सिचुएशन आ जाए तो एक कंट्री किस तरीके से रिएक्ट करेगा ठीक है एक कंट्री जो है वो थ्रेटेंड फील करता है और एक कंट्री जो है उसको अवॉइड uh, करने की उस अनसर्टन सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है दैट इज योर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस ठीक है सो ऐसे कंट्रीज दैट आर हाई ऑन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस दे आर ग्रीस पोर्टुगल जापान फ्रांस रशिया एक्सेट्रा ठीक है इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज है दैट आर लो ऑन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जैसे कि आपका हो गया सिंगापुर डेनमार्क स्विट्जरलैंड आयरलैंड न्यूजीलैंड ठीक है सो ये सारे कंट्रीज जो ऐसे होगा अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया का रैंक जो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में नाइन्थ है ठीक है नाइन्थ का मतलब कि इंडिया इज लो ऑन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस नेक्स्ट फाइनल वी हैव लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन नाउ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन इज अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट दैट एम्फोसाइज द फ्यूचर थ्रिफ्ट एंड परसिस्टेंस ठीक है short-term orientation is national cultural attribute that emphasizes the past and present respect for tradition and fulfilling social obligation जो लॉन्ग टर्म है वो फ्यूचर ओरिएंट क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म का मतलब ही लंबा है लंबा टर्म है ना यानी कि वो फ्यूचर से रिलेटेड होगा वो थ्रिफ्ट होगा वो परसिस्टेंस होगा सो ऐसे सोसाइटी जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म कंट्रीज का एग्जांपल हो गया चाइना और हांगकॉन्ग जैसे और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन ऐसा कल्चर जहां पे हम लोग जो है पास्ट प्रेजेंट और जो ट्रेडिशन वगैरह को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हम सोशल ऑब्लिगेशन को ज्यादा जो है फुलफिल करने की कोशिश करते हैं हो गया जैसे कि रशिया यूएसए फ्रांस इंडोनेशिया ये सारे जो है यू, आ, दे आर ऑल शॉर्ट टर्म दीज आर ऑल कंट्रीज ऑफ शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन सो so, दीज आर सम ऑफ द ओरिएंटेशन सम ऑफ द डायमेंशन कुछ ऐसे डायमेंशन है फाइव ऐसे डायमेंशन है जहां पे हम लोग जो है जो कंट्रीज है ठीक है कंट्रीज को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई इन कंट्रीज में ऐसा डिफरेंस है ठीक है सो इस तरीके से हम जो है कंट्रीज को जो है उनके कल्चर उनके बिहेवियर के हिसाब से हम लोग उनको क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट another emerging ट्रेंड इज द क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट नाउ द लास्ट decade has विटनेस्ड emergence ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन अगेन जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले ऐसा नहीं था पहले अगर आपका कोई भी स्टेट में हो जैसे कि दिल्ली में बहुत अगर पुरानी हम बात करें दिल्ली में अगर कोई Uh, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे मैक्सिमम दिल्ली के ही लोग होंगे है ना बट आज के जमाने में ऐसा नहीं है अगर दिल्ली में कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आप देखोगे हर स्टेट का बंदा है ठीक है हर स्टेट का बंदा कहीं ना कहीं दूर दराके का बंदा है महाराष्ट्र का बंदा है वहां पे साउथ का बंदा है वहां पे ईस्ट से बंदा है हमारा बंगाल से बंदा है सिक्किम से है, हर जगह से मतलब की हर जगह से वहां पे लोग है हर कल्चर के लोग हैं हर स्टेट के लोग है तो यहाँ पे जो है एक मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो आपको आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये चीज देखने को मिलता है मल्टी अप्लाइड टू द वर्क प्लेस इज अ व्यू दैट देर आर मेनी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड फैक्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कैन को एंड फ्लरिश विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे मल्टी सिंपल ये है कि हम इवन दो हम लोग सारे डिफरेंट स्टेट uh, से आए हैं हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं ठीक है हमारा जो कल्चरल डिफरेंट है हमारे भगवान लोग डिफरेंट है हमारा खाना पीने का तरीका डिफरेंट है हमारा लाइफ स्टाइल डिफरेंट है इवन दो हम लोग बहुत डिफरेंट है बट स्टिल हम लोग जो है को एग्जिस्ट कर सकते हैं फॉर वन गोल कौन सा गोल फॉर अचीवमेंट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन गोल ठीक है सो दैट इज अवर मल्टी कल्चरलिज्म जहाँ पे डिफरेंट कल्चर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है देखने को मिलेगा Now, with all this multiculturalism, with all this cross-cultural management, there are various, बहुत सारे there are various issues that are worth considering for comprehensive understanding of managing your cross-cultural environment. ठीक है? So, cross-cultural environment में आपको different तरीके के differences देखने को मिलेंगे, ठीक है? एक environment में मतलब पूरा का हम यहाँ पूरे world की बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीके? सारे अगर हम countries की बात करें तो different तरीके के differences आपको देखने को मिलता है। अगर हम cross-cultural differences in सेक्स रोल स्टीरियोटाइपिंग की बात करें यानी कि जेंडर जेंडर यहाँ पे ठीक है मतलब कि कुछ जगह में कुछ कंट्रीज में जो है फीमेल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें वुमेन को लगता है कि वुमेन मैनेजर्स जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ठीक है वाइल्ड अगर हम मेन को देखें मेन को लगता है कि कुछ कंट्रीज में मेन जो है एज मैनेजर्स वो ज्यादा सक्सीड होते हैं सो दीज आर सिंपल योर डिफरेंसेस की मेन जो है वो कैसे परसीव करते हैं वुमेन जो है वो किस तरीके से परसीव करते हैं ठीक है तो इस तरीके से जो है यू कैन सी देयर इज कल्चरल डिफरेंसेस विच रिलेटेड टू जेंडर देन यू हैव अचीवमेंट मोटिवेशन अचीवमेंट मोटिवेशन क्या था अचीवमेंट मोटिवेशन आपको याद होगा कि मै क्लीलैंड ने मै क्लीलैंड ने ये फाइंड आउट किया था कि देयर इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन नीड फॉर अचीवमेंट एंड डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है अब यहाँ पे जो है अब अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में काफी लोगों ने बहुत कुछ किया मैं ने अलग तरीके से बताया है इसके अलावा हमारे पास काइजन टेक्निक आया काइजन टेक्निक ने क्या किया इसने सब्सिट्यूट किया नीड फॉर अचीवमेंट को विथ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है जापान में आया तो इस तरीके से जो अगर अचीवमेंट मोटिवेशन की हम बात करें एट द एंड ऑफ द डे सिंपल जो है आपको जो है गोल सेट करना है और ऐसे गोल्स नहीं होना चाहिए कि वो बहुत इजी हो इट शुड बी मॉडरेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट गोल्स होना चाहिए क्योंकि डिफिकल्ट गोल्स को जब अचीव करेंगे तभी जो है लोगों को क्या मिलेगा एक किक मिलेगा एक मोटिवेशन उनको मिलेगा टू डू मच बेटर तो इसके साथ हमें लोगों को बहुत ज्यादा फीडबैक देना चाहिए उसी फीडबैक uh, के वजह से वो जो ताकि वो लोग जो है इम्प्रूव कर पाए देन यू हैव वेरियस मोटिवेटिंग फैक्टर्स डिफरेंट तरीके के मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट थियरीज होते हैं और ये जो थियरीज जो आप देखोगे मोटिवेटिंग थियोरीज मोस्टली दे वेर डेवलप्ड इन यूएसए ठीक है मोस्टली वो वो जो है यूएसए में ही डेवलप हुए थे बट कुछ जो है कुछ मैस्लो अब जैसे हमने मैस्लो का मोटिवेटिंग थियोरी भी पढ़ा है ना मैस्लो सजेस्टेड दैट पीपल स्टार्ट विद साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड एंड मूव टू सिक्योरिटी नीड सोशल नीड एस्टीम नीड हवेवर कुछ कंट्रीज में जो है ये जो है चीजें एप्लीकेबल नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हवेवर इन कंट्रीज वेयर अनसर्टेनिटी अवॉयडेंसेज हाई सिक्योरिटी नीड में बी मोर डोमिनेंट दैन अदर नीड तो ऐसे केस में जो है ऐसे कंट्रीज जहां पे जो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई रहता है वहां पे आप देखोगे ये चीजें जो है ये फेल हो जाती हैं। तो यहां पे जो है आपको सब कंट्रीज को देखना है कि आपको सब कंट्रीज को साथ में लेकर चलना है कि आप कोई ऐसा चीज फॉलो ना करो जो कि खाली आपके सिटुएशन में एप्लीकेबल हो खाली आपके कंट्री में एप्लीकेबल हो आपको जो है सारे कंट्रीज को सारे लोगों को जो है एक साथ लेके चलना है देन ये सारे फैक्टर जैसे सोशल लोफिंग का हो गया डिसीजन मेकिंग जो हो गया डिसीजन मेकिंग भी वेरी करता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यूएसए की अगर हम बात करें यूएसए में कलेक्टिव वाला कल्चर नहीं है वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर ज्यादा है तो वहां पे क्विक थिंकिंग ज्यादा होता है क्विक डिसीजन मेकिंग जो होता है इंडिविजुअल ज्यादा लेते हैं तो बट अगर ऐसे कंट्रीज जहाँ पे कलेक्टिविज्म ज्यादा है जहां पे वो कलेक्टिवली डिसन लेते हैं वहां पर स्लो डिसीजन मेकिंग हो सो दैट इज योर डिसीजन मेकिंग सिमिलरली आपका कॉन्फ्लिक्टडलिंग भी जो होता है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से होता है कुछ कंट्री जहां जैसे कि यूएसए में इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है तो वहाँ पे जो है देर इज मोर यूज ऑफ डॉमीनेंट स्टाइल ठीक है ठीक है पीपल इन डिफरेंट कल्चर शो कंसर्न फॉर पीपल डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉगकॉन्ग की बात करें हांगकॉग जो है हांगकॉग ऐसा देश है जहां पर जो है पीपल दे लाइक टू स्पेंड द सोशल टाइम टूगेदर ठीक है वो जो है इकट्ठे जो है बात एक दूसरे से करना चाहते हैं ओपन कम्युनिकेशन वहां पे होता है बट अगर हम यूएसए की बात करें यूएसए में दे डो नॉट टॉक अबाउट वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम अगर यूएसए के लोग जो है उनको कोई दिक्कत होती है वो एक दूसरे से ज्यादा शेयर नहीं करते एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते बट हांगकॉन्ग की अगर हम बात करें वहां पर जो है लोग जो है स्पेंड करते हैं सोशल टाइम टूगेदर एक साथ जो है इकट्ठे होकर बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज में जो है डिफरेंट तरीके का वैल्यूज है इन वैल्यूज के कारण डिफरेंट तरीके की चीजें फॉलो हो रही है ठीक है सिमिलरली अगर हम कंसर्न फॉर वर्क ये सारी चीजें ये सारे जस्ट पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स जो है आपको डिफरेंट कल्चर में जो है देखने को मिलेगा डिफरेंट uh, तरीके से आपको देखने को मिलेगा अगर हम कंसर्न फॉर वर्क की ही बात करें तो यूके के जो लोग हैं अगर उनको डिससेटिस्फेक्शन होता है वो एकदम से मुंह खोल के बोलते हैं बट यूएसए के जो लोग हैं वो एकदम एड्रेस करते हैं फॉर्मल यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेजेस ठीक है सो so, हांगकॉन्ग में कैसा होगा हांगकॉन्ग में जो है क्योंकि एनकरेज करते हैं कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा सा एक स्टाइल थोड़ा अच्छा रहता है वहां पे सारे जो है सीनियर uh, और जो जूनियर है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो यहाँ पे जो है लोग जो है क्वालिटी जो है लोगों लोग जो है एक दूसरे के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे जो है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में जो है ये कल्चर जो है ये सारे चीजें जो है वो वेरी करता है सो so, अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को ढंग से मैनेज करें अगर ठीक तरीके इसे के मैनेज इसे करें तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस तक इंप्रूव कर सकते हैं ठीक है सो so, यहां पे हमें टेलर कॉक्स एंड स्टेसी ब्लेक ने दे हैव सजेस्टेड सिक्स आर्ग्यूमेंट्स फॉर मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी और ये सिक्स आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला है कॉस्ट आर्ग्यूमेंट कॉस्ट आर्ग्यूमेंट मतलब की मैनेजिंग कॉस्ट वुड लीड टू मोर एडवांटेजेस इन डाइवर्स एनवायरमेंट ऐसा माना गया है कि अगर आपका मल्टी नेशनल मल्टी कल्चरल एक एनवायरमेंट है तो वहां पे अगर आप कॉस्ट को जो मैनेज करोगे मैनेज करोगे कॉस्ट को तो वो जो है आपके लिए जो है आप इजीली तरीके से वो आपके लिए एडवांटेज ही होगा सिमिलरली रिसोर्स एक्विजीशन आर्ग्यूमेंट यानी कि बेस्ट रिप्यूटेशन फॉर मैनेजिंग डायवर्सिटीशन फॉर द बेस्ट पर्सनल आप जो है आपको पता है कि यहाँ का बंदा अच्छे से काम करता है यहाँ का बंदा अच्छे से काम करता है सो डिफरेंट स्टेट के लोग होंगे डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे आप जो है बेस्ट लोगों को चुनके जो है एक अच्छी टीम जो है यहाँ पे आप बना सकते हो ठीक है नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग आर्ग्यूमेंट मार्केटिंग आर्ग्यूमेंट मतलब कि द इनसाइट एंड कल्चरल सेंसिटिविटी दैट मेंबर्स विद रूट्स इन देयर कंट्रीज ब्रिंग टू द मार्केटिंग एफर्ट्स शुड इम्प्रूव दीज एफर्ट्स इन इम्पोर्टेंट वेज अगेन हम जो है मार्केटिंग के लिए जो है बेस्ट चीज है क्योंकि सारे लोग जो है अपना बेस्ट दिमाग लाते हैं अलग अलग कंट्री से उनका दिमाग है अलग अलग क्षेत्र से उनका दिमाग है सो वो लोगों के आइडियाज जो है यहाँ पे आइडियाज के कारण हम डिफरेंट तरीके का मार्केटिंग डिफरेंट तरीके की जो क्रिएटिविटी है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये सब हमको जो है हम अच्छे तरह से कर सकते हैं हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम बेटर तरीके से जो है सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं एंड वी हैव सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी आर्ग्यूमेंट यानी कि मल्टीकल्चरल मॉडल सजेस्ट दैट सिस्टम विल बिकम लेस डिटर लेस स्टैंडर्डाइड एंड देयर फॉर मोट फ्लूड तो आजकल जो है क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म है यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कुछ भी नहीं हो गया हर चीज जो है वो फ्लूड होता जा रहा है ठीक है द इंक्रीज फ्लूडिटी शुड क्रिएट ग्रेटर फ्लेक्सीबिलिटी टू रिएक्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस हो देयर शुड बी ग्रेटर फ्लूडिटी ठीक है ज्यादा फ्लुइडिटी होना चाहिए ताकि एनवायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हो हम लोग जो है एकदम से उसको देख के क्या कर पाए हम लोग एकदम से उसको रिएक्ट कर पाए सो so, क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज हैं जिससे कि हम लोग मैनेज कर सकते हैं कल्चरल अच्छे से सबसे पहले कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कल्चर है डिफरेंसेस है उसको वैल्यू करें ठीक है देन वी शुड चेंज अवर माइंडसेट अबाउट डाइवर्सिटी यानी कि एक सपोर्टिव टीम सारे लोग जो है एक सपोर्टिव एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना चाहिए कल्चरल डिफरेंसेज जो भी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको आपको जो है आपको अच्छे से सबसे बात करके उस सब को एक्सेप्ट करना चाहिए ठीक है जो भी कल्चर है लो, दूसरे लोगों के कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए. चाहिए एंड यू शुड एजुकेट द प्रॉब्लम्स अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी को किसी से यू शुड एजुकेट देम अबाउट कि भाई अगर किसी को दूसरे बंदे के कल्चर के बारे में पता नहीं है यू शुड एजुकेट देम अबाउट इट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है यानी कि एक बायस फ्री अप्रोच होना चाहिए आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि भाई मैं इस यहाँ का हूं मैं इस कंट्री का हूं तो मैं यहाँ के लोगों को ही चुनूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे भी किसी तरीके का बायस नहीं होना चाहिए एकदम ओपन बायस फ्री अप्रोच होना चाहिए आपका एंड फाइनली देर शुड बी इम किसी भी तरीके की पार्शियलिटी जो है आप बिल्कुल भी शो नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रेस एथनिसिटी या फिर नेशनैलिटी मैनेजिंग मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाउ मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एम होते हैं मल्टी नेशनल कॉपोरेशन होते हैं वो लार्ज कॉपोरेशन बॉडीज होते हैं ठीक है और ऐसे बॉडीज होते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में ये लोग क्या हुए हैं ये लोग फैले हुए हैं इनका डिफरेंट लीगल पोलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम रहता है जैसे एक बड़ा कंपनी है ठीक है एक का उसका सब्सिडरी एक इंडिया में है एक यूके में एक जापान में है आप देखोगे डिफरेंट क्षेत्र में जो है डिफरेंट पोलिटिकल एनवायरमेंट में है वो चीजें वो सबसे ज डिफरेंट लीगल एनवायरमेंट में डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स में तो आपको जो है प्लस आपको टफ कंपटीशन भी फेस करना आपको यूके का भी कंपटीशन uh, फेस करना पड़ेगा जापान का भी फेस करना पड़ेगा कंपटीशन इंडिया का भी करना पड़ेगा तो यहाँ पे एमएनसी को जो है बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन उनको फेस करना पड़ता है सो so, इसके लिए दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल ठीक है एंड यू शुड है ग्लोबल व्यू ग्लोबल व्यू के साथ साथ यू शुड हैव पीपल जो पीपल हैं जो लोग हैं हमारे साथ वो लोग जो है मल्टीकल्चर आप इस तरीके से ट्रेन करोगे इस तरीके से रिक्रूटमेंट करोगे प्रॉपर ट्रेनिंग उनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक उनके पास जो है स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए स्पेशलाइज स्किल होने चाहिए ऐसे एनवायरमेंट में काम करने के लिए ऑल्सो देयर नीड टू बी अ बैलेंस बिटवीन दीज कंट्रीज फॉर वर्किंग एज अ सिंगल सिस्टम तो आपको जो है ऐसा नहीं है कि आपने बस जापान में जो है उस कंपनी को छोड़ दिया वहीं की जापान वाले देख लेंगे उसको ऐसा नहीं आपको सबको जो है कॉमन लेवल पे लाके सबको अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा तभी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुली जो है प्रॉफिटेबल होके काम करेगा ठीक है सो मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पूरा इतना कुछ इतने सारे जो एनवायरमेंट है इतना कुछ आपको देखना पड़ता है ठीक है बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको जो है देखना पड़ता है बट एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है आपने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चलाया ही क्यों है ये स्टार्ट ही क्यों किया आपका मिशन विशन जो है मिशन स्टेटमेंट्स वगैरह क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए देन नेक्स्ट यू शुड इंश्योर दैट की फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे फ्लो करता चला जाए ठीक है और ये जो कल्चरल डिफरेंसेस है ठीक है ऐसा नहीं कि कल्चरल डिफरेंस को आप एक हिंड्रेंस की तरह मानो इस कल्चरल डिफरेंस का आप फायदा भी उठा सकते हो ठीक है इसको आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो अपने वीकनेस की जगह आप क्या बना सकते हो इसको अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू विल मैनेज द मल्टी ऑर्गेनाइजेशन सो ये यूनिट भी था इमर्जिंग ट्रेंड्स इन वो भी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है बस क्या क्या ट्रेंड्स है ट्रेंड्स में मेनली मल्टी नेशनलिज्म ही है है ना मल्टी कल्चरिज्म यही ट्रेंड्स है तो है, हमने यहाँ पे बस मेन ट्रेंड्स देखे जहां पे इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या है वो देखे उन ट्रेंड्स को आप किस तरीके से क्या क्या कर सकते हो कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में हमने देखा क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट के बारे में देखा एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट हाउ टू मैनेज दिस मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो यहां पर हमारा ये जो यूनिट है यूनिट ट्वेंटी ये कंप्लीट होता है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सो दट सेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिया क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय